आपने सही कहा, मैं भी खोल के चेक किया। हम अपने लेवल पे तो चेक करते रहते हैं बीच बीच में आकर के कि क्या पैकिंग हो रहा है, सही माल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट को लेकर के, माल पैकिंग को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन आपको हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी कुछ होता है अभी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और बहुत अच्छा लगा मुझे, मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ कि लाइव आके कोई पूछ रहा है मेरे से कि लाइए पार्सल खोल के दिखाइए, पहले से बिना तैयारी किए हुए कुछ भी, बहुत अच्छी बात है। ओपन किया जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से पूरा परफेक्टली इसे तैयार किया जाता है। देखिए कभी बारिश भी हो तो बारिश की वजह से ये आपके माल में कोई दिक्कत ना हो इस तरह का। जी ये स्कैन होता है तो सेल्स ऑर्डर बन जाता है। अब अगर इसको मैं चाके भी चेंज करना चाहूँ बिल बनाते वक्त, जी जी, तो वो चेंज नहीं होगा सर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है तेजस व्लॉग की एक और दमदार वीडियो में। दोस्तों फर्स्ट टाइम अजमेरा फैशन से एक ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ जो आपका टोटली कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। खास तौर पे जो आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर देते हो, आप लोग कमेंट्स करते हो कि सर जो हमने ऑर्डर दिया वो माल कैसे पैकिंग होता है, कैसे हमारे घर तक पहुंचता है, क्या क्या प्रोसीजर है। और जब आप लोग यहाँ पर आते हो माल दिखाते हो, एक सेल्समैन के द्वारा आपको माल दिखाया जाता है कि चाहे आप साड़ी खरीद रहे हो, सूट्स खरीद रहे हो, कोई भी आइटम आप अजमेरा फैशन से खरीद रहे हो, उसको आप एक साइड करके पेमेंट करके चले जाते हो, उसके बाद क्या होता है वो प्रोसेस आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा। और बाकायदा आपको यहाँ पर जो पैकिंग किया हुआ माल ऑनलाइन दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो पर बने रहिएगा। सर को मैं अपने साथ लेने वाला हूँ, पूरा प्रोसीजर आपको एक एक पॉइंट बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा कि जो कुछ दिखाऊंगा जेन्युइन दिखाऊंगा, कुछ भी अलग से इसमें एडिट करके नहीं दिखाने वाला हूँ, विश्वास कीजिएगा। यहाँ पर आप बैकग्राउंड देख लीजिए, मैं हूँ यहाँ पर जहाँ पर पैकिंग का टोटली माल पैक होता है, टोटली प्रोसेस होता है। आप एक बार दिखा दीजिए, सब सिस्टम के द्वारा है, कोई भी लिखित में नहीं है, क्योंकि आज के समय जो टेक्नोलॉजी है उसका भरपूर फायदा उठाया जाता है। अभी मैं सर को बुलाने वाला हूँ, आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो जानकारी हमें नहीं है अजय सर को है, वो आपको जानकारी देंगे। तो सर का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल तेजस व्लॉग पर। सर नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फिर से एक बार विजिट करने के लिए और व्यूअर्स को अवगत करवाने के लिए कि भी किस तरीके से क्या काम होता है हमारे यहाँ, वो सारी जानकारी व्यूअर्स तक आपके चैनल के माध्यम से पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, सबसे पहले फर्स्ट टाइम मैं इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ सर, की ट्रांसपोर्ट वाली जो आपकी फैसिलिटीज है, लोगों का कन्फ्यूजन है कि जो हमने ऑर्डर दिया, खासतौर पे ऑनलाइन का जो ऑर्डर फोन पे देते हैं ना, और आप लोग लिखते हो उसे कि ये ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर को आप किस तरह से यहाँ पे डिस्पैच करते हो और उन तक पहुंचता है, वो प्रोसेस आप खासतौर पे दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा दिखाता हूँ। जैसे पहले मैं दिखाऊँ आपको कि माल जो निकला हुआ है जी, उस पे जरा बेटा इधर आओ एक बार, ये देखिए ये ऑर्डर नंबर लिखा रहता है जी, ये माल किसी पार्टी का निकाल के रखा है तो उसका ऑर्डर नंबर लगा हुआ है यहाँ पे, 20,420 ऑर्डर नंबर का ये माल है। अब ये पेमेंट जैसे ही इनका आता है उस समय माल हम लोग पैक करते हैं। पैक कैसे करते हैं, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक जी, ये पार्टीज का माल निकला हुआ है, सबके ऑर्डर नंबर लगे हुए हैं, ये जी जी, ये किसी पार्टी का माल लिया हुआ है, ये यहाँ पे पूरा आप जो देख रहे हैं जी, ये कोई पार्टी ने माल छांटा है पूरा रख दिया गया है। इनका जैसे ही प्रोसेस होता है या फिर जैसे ही इनका नंबर आता है जी, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट का सिस्टम है जी, आपने माल लिया है, आपके पहले 10 जनों ने और माल लिया हुआ है तो पहले वो 10 जन का माल पैक होगा फिर आपका माल पैक होगा। हाँ, बाई हैंड आप ले जाना चाहते हैं तो इस तरीके से बाई हैंड हम पैक करके दे देते हैं, कस्टमर यहाँ से लेके चला जाता है, उनको हम लेट नहीं करते हैं क्योंकि उनकी ट्रेन रहती है। स्टार्टिंग वहाँ से कीजिए कि मैंने आपको कॉल किया जी, तो आपने नोट कर लिया कि ये माल हमें चाहिए, बराबर। उसके बाद जब आप माल बॉक्स में डालते हो तो वो वाली लिस्ट आप मुझे बताइए वो कैसे होता है प्रोसेस, बराबर है। तो ये में एक सेल्स ऑर्डर बनता है, देखिए जी ये सेल्स ऑर्डर लिखा हुआ है अजमेरा फैशन प्राइवेट लिमिटेड का जी, ये सेल्स ऑर्डर है, ये रवि किरण उत्तम राव शेलके है राहुड़ी का जी, इनका सेल्स ऑर्डर नंबर है 20,712, ठीक है ठीक है, ये माल इन्होंने लिया है जी, ठीक है, और ये इनका बिल बनता है, ये टैक्स इनवॉइस, ठीक है, ये पूरा 153 पीसेस का इन्होंने ऑर्डर दिया है, ये आइटम का इतना पीस, 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 153 पीस हुए, 42,474 रुपए का बिल है, ये 42,474 रुपए का ये बिल बन गया, ठीक है। आपका कहने का मतलब है कि ये कॉल पे लिखवाया गया
आपने साथियों के साथ एंट्री करते गए, उसका बिल निकाल करके ये वाला माल अब आप पैकिंग करोगे, अब पैक करेंगे। अच्छा, आप कॉल पे लिखाते हैं, आप यहाँ आके लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। सेल्स ऑर्डर पहले बनेगा आपका। अच्छा अच्छा, आपका सेल्स ऑर्डर से आपका 150 पीस हुआ, 200 पीस हुआ, 1000 पीस हुआ, 500 हुआ, जितना भी हुआ वो सेल्स ऑर्डर बन जाएगा। उसके अंदर कितनी अमाउंट होती है उतनी अमाउंट आपको बता दी जाएगी, उतनी अमाउंट आप हमारे अकाउंट के अंदर या कैश जैसा भी मोड आप चाहते हैं वो मोड से आपने हमारे पेमेंट कर दिया है, हमारे कंप्यूटर में आपका पैसा क्रेडिट हो गया है, आपका हमारे यहाँ से डिस्पैच में नंबर लग जाएगा। ये पार्टी का पेमेंट आया हुआ है तभी ये सेल बिल बना है, नहीं तो सेल बिल नहीं बनता। ठीक है, तो ये सेल्स ऑर्डर के सामने अब ये सेल बिल बना है 153 पीसेस का। सर, जैसे मैंने देखा कि 50-100 कस्टमर लगभग 1-1.5 घंटे में आप लोग डील कर रहे हो जी, माल अलग अलग निकलता है तो आप लोग बोलते नहीं कि किसका माल किस में जाना है, कैसे पता चलता है कि यही माल इस व्यक्ति ने चूज किया था, तो उसमें मिक्स भी तो हो सकता है वो? नहीं, आदमी रहता है तुरंत साथ में। अच्छा, वो उठा के उस माल को उनका पर्ची लगा के जो कस्टमर का नाम है, जैसे ये रवि किरण उत्तम राव सेकले या सेल्स ऑर्डर नंबर आपने देखा अभी लगा हुआ, वो नंबर उसके ऊपर लग जाता है जी, तभी वो सेल्स ऑर्डर बनेगा जी, नहीं तो सेल्स ऑर्डर ही नहीं बनेगा। अच्छा, और अभी तो हमने ये प्रोसेस कर दिया है कि मैं आपको दिखाता हूँ, आइए साथ में। स्कैन होता है प्रोडक्ट जी, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ कोई पार्सल पैक हो रहा है, अभी स्कैन करके ये पैक कर दिया है, अभी पैकिंग में कोई पार्सल लेके आओगे ये हो गया है पैक। ये देखिए, ये पूरा सेल्स ऑर्डर बनने के टाइम पे भी, जरा वो लाओ स्कैनर, ये देखिए जी, ये स्कैनर लगा रहता है। ठीक है, सेल्स ऑर्डर जब बनता है जी तभी ये स्कैन से बनता है जी, ये स्कैन होता है तो सेल्स ऑर्डर बन जाता है। अब अगर इसको मैं चाके भी चेंज करना चाहूँ बिल बनाते वक्त जी जी, तो वो चेंज नहीं होगा सर। अच्छा अच्छा, वो जो सेल्स ऑर्डर में बना हुआ है वो सेल्स ऑर्डर से ही पिक होता है जी जी जी। अब अगर मैंने यहाँ पे आइटम लिखा है VTS इलेक्ट्रिक 5, ठीक है, अगर ये VTS इलेक्ट्रिक 5 नहीं है तो बिल बनेगा ही नहीं, और बिल में दूसरा नाम डल नहीं सकता है। ठीक है, तो अभी तो ये प्रोसेस ही हमने पूरा ऐसा कर दिया है, बारकोड से स्कैन होता है, सारी चीज बारकोड से बनती है, कोई चाह के भी चेंज नहीं कर सकता है, मेरे बंदे को माल नहीं मिला है तो वो कैंसिल हो सकता है जी, पर उसमें वो चेंज करके दूसरा नहीं डाल सकता है जी जी, जी। तो इतना पैकिंग में आपकी ये भी गिफ्ट वगैरह इस तरह के आइटम भी जाते हैं? हाँ जी, डालते हैं साथ में, इस तरीके के आइटम भी साथ में डालते हैं जो कि प्रोसेस वगैरह होती है जी। कुछ थैली, ये कैरी बैग होती है साड़ी में जो थैली लगती है, ये भी एक्स्ट्रा डालते हैं। मैं आपको पार्सल खोल के एक दिखाता हूँ कि इस तरीके से पार्सल पैक होने के बाद भी हम चेक करेंगे एक बार कि आज जो पार्सल इन्होंने पैक किया है वो सही है ना, कितना कितने पीस उसके लिखे हुए थे, कितने पीस। ठीक है, तो जो आपके हाथ में ये 153 पीस वाला है ये पैक हो चुका है? ये पार्सल ट्रांसपोर्ट में चला गया, ये तो चला गया, देखिए बिल्कुल भी आ गई इसकी, मैं कोई और पार्सल मंगवाता हूँ। ठीक है, एक पार्सल बाहर से लेके आवा लेते हैं जो बाहर है, यहाँ पे नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए तैयार है, ट्रांसपोर्ट के लिए जाता है तो यहाँ से बाहर ले जाना पड़ता है। चलिए मैं लाइव दिखाता हूँ उधर, चलिए कि ट्रांसपोर्ट से जो बाहर है वो ही मैं यहाँ पर ये पेटी मंगवाता हूँ जो ट्रांसपोर्ट पे जाने के लिए तैयार है। देखिए ये इस तरह से पैक होकर के जाता है, आप यहाँ पर देखिए ये पूरी तरीके से पैक है, ये देखिए ये पूरी तरीके से पैक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैक है, इसका नंबर लगा हुआ है इसके ऊपर, ये नंबर एक बार दिखाइए, ये देखिए 27702 नंबर की एक पार्सल है। ठीक है, इस तरीके से आप भी मिला सकते हैं अपने यहाँ कि आपका बिल 27702 नंबर का है लेकिन पार्सल पे 27703 लिख के आया है जी, तो मतलब वो पार्सल आपका नहीं है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है वहाँ पे भी जब आप पार्सल मिला इस जो आप भेजते हो इस पे ये नंबर डाला होता है? हाँ जी, ये 27609 दिखी। अच्छा, ये तो चला गया है, इसका बिल जरा मंगवाओ जी, इसके अंदर से भी एक कॉपी, इसके अंदर भी कॉपी एक निकलेगी जी, ये वाला हटा दीजिए। ये देखिए मैं लाइव यहाँ पर आपको इसे दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार था, मगर आप लोगों को विश्वास हो इसकी जानकारी आपको देना चाहता हूँ क्योंकि ट्रांसपोर्ट को लेकर के, माल पैकिंग को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन आपको हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी कुछ होता है अभी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अभी ओपन हो रहा है आप ही के सामने, कोई अलग से हमने ये स्पेशल नहीं रखा है। मैं अभी आपको और भी पैकिंग दिखा दूंगा बाहर, और भी सर शायद वहाँ पे मैं कैमरा एक बार जूम कीजिए उसे आगे दिखाइए, ये जितना भी माल रखा है वहाँ पर
ये सारा शायद ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार है, ये रुक गया है, ये एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया का माल है, फिजी का माल है। अच्छा अच्छा, ट्रांसपोर्टिंग में थोड़ा सा इनको कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, आईसी लाइसेंस उनका नहीं है तो उसकी वजह से रुका हुआ है, तो ये कल आज क्लियर हो गया है, ये भी कल माल चला जाएगा ट्रांसपोर्ट। देखिए पहले तो आप पैकिंग देखिए कितनी जबरदस्त पैकिंग है, किसी तरह का कोई डैमेज इसमें आपके घर तक पहुंचने में, आपके शॉप तक पहुंचने में नहीं होगा। आपके सामने ओपन किया जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से पूरा परफेक्टली इसे तैयार किया जाता है। देखिए कभी बारिश भी हो तो बारिश की वजह से ये आपके माल में कोई दिक्कत ना हो, इस तरह का यहाँ पर गिफ्ट आइटम भी आपको दिया जाता है। सब साथ में डाल देते हैं, कैरी बैग जो भी साइज का माल वो लेते हैं उनके ये जो थैली एक्स्ट्रा डाल देते हैं, जिससे कि अगर कोई फटी पुरानी हो, कोई खराब हो गई हो तो उसको चेंज कर ले लेते हैं। जी जी, कैरी बैग भी। मैं इसमें जानना चाहता हूँ सर इसका बिल जो है, अब मैं इसे देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ, इसका बिल कहाँ है ये देखिए। अच्छा, देखिए बिल भी इसी के अंदर है, ये साथ में बिल एक डालते हैं हम लोग इसके अंदर, व्यूअर्स को पता लग जाए। इसमें लिखा रहता है 95 पीसेस 27702 चालान नंबर, ये 95 पीसेस है, ये देखिए ये पूरा एक एक डिटेल लिखी हुई है। जैसे मिलान करना हो वहाँ जाके मिलान करेंगे, अब इसमें कैसे पता चलेगा? ये देखिए इसमें लिखा हुआ BS मोनिका 3, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे BS मोनिका 3 XL की 4 पीसेस है, ठीक है। ये सेट 4 पीसेस का लिखा हुआ, बारकोड लगा हुआ है। जी जी जी, सब कुछ एक एक चीज इसके ऊपर लिखी रहती है। अब ये पीस इसमें खोलो, कहाँ पे लिखा हुआ, ये एसजीआर रॉयल क्रेप, ठीक है, एसजीआर रॉयल क्रेप, ये देखिए एसजीआर रॉयल क्रेप सारीज 12 पीसेस है, 215 रुपए उसकी रेट है। आप रेट भी मिला सकते हैं, आपको पता लगना चाहिए कि आपने कितने रुपए में वो प्रोडक्ट खरीदा है, तो आप उसके ऊपर एक अपना मार्जिन ऐड करके उसको बेच सकते हैं। मैं आपको इसमें 12 पीस भी दिखाने की कोशिश करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, पूरे 12 पीस है। इसमें इनवॉइस में भी लिखा है 12 पीस की साड़ी है, और साथ में आपको ये प्रूफ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो कि जो हमने माल परचेज किया वही माल मिलता है या नहीं मिलता है। अब इसका सेल्स ऑर्डर, इसके पीछे जो सेल्स ऑर्डर रहता है वो सेल्स ऑर्डर के हिसाब से ही ये माल निकल सकता है, ठीक है। इसमें चेंज होके नहीं निकल सकता है, सेल्स ऑर्डर जो पार्टी को मिलता है उसके हिसाब से ये बिल बनता है, ठीक है। क्योंकि सेल बिल जो बनता है ना सर हमारे यहाँ, वो सेल्स ऑर्डर में से आइटम पिक करके बनता है। 1000 पीस का सेल्स ऑर्डर बना हुआ है, ठीक है, उसमें से 100 पीस आज पिक हो रहे हैं, ठीक है, तो उसी में से पिक होगा वो आइटम। अच्छा अच्छा, नया एक्स्ट्रा नहीं डाल सकता है कोई भी कुछ भी। आप कम कर सकते, 1000 पीस की जगह 900 पीस के मान लीजिए, 100 पीस कैंसिल हो गए, तो वो आपका पैसा या तो मेरे पास जमा रहेगा या मैं आपको नया माल भेजूंगा। वो मैं आपको फोन करके ही कर सकता हूँ आपकी अनुमति से, डायरेक्ट मेरे यहाँ कोई भी चेंज किसी कीमत पे कोई नहीं कर सकता है। जी जी जी, तो ये एक प्रोसेस है जिसके तहत ये पैकिंग हम लोग करते हैं। कंफ्यूजन रहता है कई लोगों को, क्योंकि काफी सारे लोग हैं बाजार के अंदर, अलग अलग तरीके से व्यापार करते हैं, कोई दिखाता कुछ है, बेचता कुछ है, जो ऑर्डर दिया वो माल नहीं भेजा हमें, दूसरा माल रख के भेज दिया, दूसरा माल और बिल में वही माल चढ़ा हुआ है, बिल में वही माल चढ़ा हुआ है। तो ये कतई अजमेरा फैशन में हम लोग, गलती देखिए इंसान से होती है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमसे भी गलती नहीं होती है, लेकिन हम एक गलती दोबारा नहीं करते हैं, ठीक है, ये तयशुदा बात है, ठीक है। हमें गलती पता लग गई कि ये पार्सल पैक होने में एक आटा कम लगा रहे हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम ध्यान रखते हैं कि वो दोबारा वो गलती नहीं हो। 10 आटे लगने चाहिए तो 10, पट्टी 3 लगनी चाहिए तो पट्टी 3, बाहर 5 लगनी चाहिए तो बाहर 5, कलतान ढंग से पैक होना चाहिए। बरसात में एक बार भीग गया, हमारे पास शिकायत आ गई, तो दोबारा हम कोशिश करते हैं कि वो बारिश में कितना भी जाए वाटरप्रूफ कलतान उसके ऊपर लग के जाए, वो दोबारा ना भीगे। एक बार गलती होगी कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे ये माल आप पैक करते हो यहाँ पर, फिर भी लोगों को रहता है कि सर जो हमने माल नहीं मंगाया वो सर ने दूसरा भेज दिया है, या आपकी तरफ से कोई गलती हो गई, पीस कम चला गया या एक्स्ट्रा चेंज होकर के चला गया, बाय चांस हो जाता है स्टाफ है कि नंबर से उठाया आप दूसरा गया हाथ में और आपने रख दिया जी। अब वो अगला व्यक्ति तो परेशान नहीं होगा ना, उसे आप एक्सचेंज कर दोगे या कैसे आप उसको? देखिए उन गलतियों को भी दुरुस्त करने के लिए बारकोड किया है जी, कि मानवीय भूल बस भी ऐसा ना हो, इसके लिए बारकोड कर दिया है। अब अगर इस पार्टी ने खरीदते वक्त ये स्कैन किया है, ठीक है, और बिल बनते वक्त दूसरा आइटम स्कैन हो रहा है, तो वो स्कैन होगा ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये गलती की भी संभावना हमने दूर कर दी। जी जी जी। अब इसके बाद भी मान लीजिए अभी हम काम कर रहे हैं, अपने आप को रोज इम्प्रूवमेंट करते हैं जी,
कोई गलती ऐसी है जो अभी तक हमने नहीं करी है, फर्स्ट टाइम गलती होकर किसी को ऐसा हो जाता है। तो अगर हमारी कोई भी गलती है, सब कुछ स्कैन भी कर दिया, चलिए मैंने जी, अब आदमी चेक करके भी देता है जी, अब ये 12 पीस गए हैं, इसके अंदर एक पीस कटा हुआ निकल गया है जी, तो वो तो हमारी गलती है। बिल्कुल ठीक है ना, डिजाइन भी सही दी है, सब कुछ सही दिया है, लेकिन एक पीस कटा हुआ आ गया, दो पीस फटे हुए निकल गए जी, तो हमारी गलती के लिए एक पैसे का सिंगल नुकसान आपको नहीं होने दूंगा, ये मेरा चैलेंज जी, जी बहुत बढ़िया। अगर हमारी कोई भी गलती है, कटा हुआ माल चला जाता है बाय मिस्टेक, चेक करके बेचते हैं सब कुछ जी, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो वो हमारे सर माथे है सर, आपको उसके लिए एक पैसे का नुकसान करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज कैसे है, किस तरह माल पैकिंग होता है। यदि फिर भी आपके पास कुछ ऐसा है कि यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो आप डायरेक्ट जो स्क्रीन के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर है इन पर कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए, समस्या का समाधान तो बात करने से ही होता है। अब घर बैठे आप उल्टे सीधे कमेंट्स करोगे तो उसका कोई समाधान नहीं होता। देखिए जब तक किसी को आप नहीं बताओगे तब तक आपका कोई भी समाधान नहीं होगा। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब तक बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाते। इस को आप ध्यान में रखिएगा कि यदि कुछ प्रॉब्लम है तो सर से बात कीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरे से बात कर सकते हैं आप, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, टीम पूरी तरीके से आपको गाइड करेगी। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं हमारे आदमियों से या हमारे बच्चों से गलती नहीं होती है, हो सकता है कोई गलती हो और हम उसी उन गलतियों से सीखते हैं सर। हम बिल्कुल बिल्कुल आज हम अपने आप में इतना सुधार कर पाए हैं तो गलतियां कर करके ही सुधार कर पाए हैं सर। बिल्कुल तो हो सकता है कोई और भी गलती ऐसी कुछ हो गई हो हमसे या फ्यूचर में कभी हो जाए ऐसी, हम ये तो जरूर कोशिश करते हैं कि दोबारा वो गलती नहीं हो, लेकिन वो गलती आप हमें बताएंगे तो ही पता लगेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आप अगर उस गलती के लिए आप कोई भी अगर ऐसी कोई गलती हुई है तो आप कॉल करके हमारी टीम को बताइए, इमीडिएट आपका सॉल्यूशन इसका होगा जी जी जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पिक कराओ बेटा वापस। और कुछ कहना चाहेंगे सर व्यूअर्स को? नहीं बस हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर कुछ भी आपके मन में ऐसा करने की इच्छा हो कि आपको बिजनेस करना है तो अजमेरा फैशन एक ऑप्शन अच्छा हो सकता है आप लोगों के लिए, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सर काफी टाइम से यहाँ आते हैं, जानकारी देते रहते हैं आप लोगों को, और भी कोई नई जानकारी जैसे आज ये जानकारी एक मैंने भी फर्स्ट टाइम आज आपके कहने पर ये खोल के इस तरीके से दिखाया है, आज तक कोई किसी ने मुझे बोला है ऐसा, लेकिन आप एक आपने सही का, मैं भी खोल के चेक किया। हम अपने लेवल पे तो चेक करते रहते हैं बीच-बीच में आकर के कि क्या पैकिंग हो रहा है, सही माल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन लाइव आपके सामने फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा किया है किसी। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात रखी और व्यूवर्स को, क्योंकि कमेंट्स आते थे सर इस तरह की कंफ्यूजन था। बिल्कुल 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 सर, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि आपके व्यूवर्स आप पे ट्रस्ट करते हैं, बिल्कुल, और आपका मोटिव बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप उनके हर कंफ्यूजन को दूर करो। बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा मुझे, मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ कि लाइव आके कोई पूछ रहा है मेरे से कि लाइए पार्सल खोल के दिखाइए, पहले से बिना तैयारी किए हुए, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है आपका, रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट अजय सर लगभग तो यहीं पे 10-15 दिन तो महीने में रहते ही हैं। यदि आप डायरेक्ट मिलना भी चाहते हो, कुछ गाइडेंस पाना चाहते हो, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर तरह का यहाँ पे जानकारी मिलती है। लेडीज वियर में डील करते हैं, मेंस वियर, किड्स वियर, सारे आइटम एक छत के नीचे आपको मिलने वाले हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।